नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मैं चरखी दादरी आया हुआ हूँ 69th मेंस सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप कवर करने के लिए। आज 24 तारीख है, आज चैंपियनशिप का आखिरी दिन है। तो यहाँ पर जो दोस्तों रहने खाने की जो व्यवस्था है वो बहुत ही उच्च स्तरीय है। ये देखिए, हम एक धर्मशाला में रुके हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बढ़िया व्यवस्था करी गई है और यहाँ पर जो टीमें रह रही हैं उनको एसी में रखा गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं एसी लगाए गए हैं धर्मशाला में और टीमों को ये जो है कबर्ड प्रोवाइड करे गए हैं ताकि अपना सामान वामान रख सकें, कोई दिक्कत ना हो। चाबी अलमीरा चाबी है सब कबर्ड की, वो टीमों को दी गई है और ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। बहुत बढ़िया रहने की, खाने की और ऑफिशिएटिंग की, मैचों की। जहाँ पर मैच कराए जा रहे हैं वो ऐसी जगह है कि बारिश कितनी भी आ जाए लेकिन उससे कोई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए धर्मशाला है जिसमें हम रुके हुए हैं, मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाता हूँ। बहुत अच्छी वो मतलब व्यवस्था है, उच्च स्तरीय जिसे कह सकते हैं आप, वो व्यवस्था यहाँ पर आयोजकों द्वारा कराई गई है और हम इसके लिए बहुत धन्यवादी हैं एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के चरखी दादरी की जो यूनिट है, ये जो हरियाणा कबड्डी एसोसिएशन जो ये करा रही है इसके बहुत आभारी हैं हम सभी, जो कि इतनी बढ़िया सुविधाएं देकर ये करा रहे हैं। ये यहाँ पर दूसरे भिन्न भिन्न टीमों के खिलाड़ी अभी क्योंकि मैच थे इनके कल, अभी ये सोए हुए हैं सुबह के 7 बजे अभी, तो अभी ये सोए हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत बढ़िया सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं आयोजकों द्वारा, बहुत बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, इसके लिए हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। राजेश साहब, ये आप हिसार से हैं तो सर, ये जो सुविधाएं यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा बोलिए आप। सुविधा अपने एमचोर कबड्डी के प्रधान कृष्णलाल पवार जी, कुलदीप दलाल जी, उन्होंने पहले भी जो सीनियर नेशनल कराई लड़कियों की उसमें भी बहुत बढ़िया खाना था और अब भी उससे बेहतरीन प्रोग्राम है खाने का, रहने का और अपने जो यहाँ खेलने का मैच है वहाँ से तूफान आ जाओ मैच वहीं होंगे, कोई उसको रोक नहीं सकता। जी जी जी, ऐसे सिस्टम कर रखे हैं। जी जी जी, कुलदीप दलाल जी की बहुत बड़ी बंदी है। जी 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 जी, और बोलिए जो भी स्टेट से आते हैं मतलब चेंजिंग होता है खाना जी, सुबह कुछ मिलता है जी जी, वैरायटी है वो चेंजिंग होता है खाने में। हाँ, रिपीट नहीं है कि सुबह भी वही मिल गया तो जी जी जी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बात है, सभी खाने देखकर खुश है जी और खेल देते भी खुश है जी जी, रह के भी खुश है जी 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 जी, बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है कबड्डी हरियाणा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी, मैं भी यही अनुभव कर रहा हूँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, हर खिलाड़ी को सुविधा है। जी जी बिल्कुल, कोई खिलाड़ी यहाँ ऐसे नहीं कह रहा अभी मैं तंग हो रहा हूँ, जी जी परेशान हूँ, जी जी जी, ये ऐसी कोई बातें नहीं। मैं अपना अनुभव बताऊँ तो रात को भी हमें एसी गाड़ी से छुड़वाया गया वेन्यू से और यहाँ पर हमें एसी गाड़ी से छुड़वाया उन लोगों ने, और एक वहाँ पर थे साहब तो मतलब हर आदमी के जाके पूछ रहे थे जी आप कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ रुक जाओ आप, मैं मंगा दूंगा। मैं हिसार सेक्रेटरी हूँ एमएचआर कबड्डी का। अच्छा सर, अच्छा अच्छा अच्छा, दलाल साहब के फेडरेशन से जुड़े बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर।